कृष्णा दोस्तों। तो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग की एकांतिक वार्तालाप की ये वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रही है, जिसमें कि लोगों को ये मास्क और चश्मा पहने हुई लेडी का फेस और आवाज एकदम ऋतु राठी जैसा लग रहा है। सच में ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जो कि हमारे यूट्यूबर और ब्लॉगर फ्लाइंग बीस्ट मतलब कि गौरव तनेजा की वाइफ है। तो इस वीडियो में दरअसल वो प्रेमानंद जी महाराज से एक प्रश्न ये करती है कि उन्होंने अपने हस्बैंड से जो प्रेम किया है उसके बदले में उन्हें छल कपट और अपमान मिला है, और वो अपने बच्चों के लिए भी काफी कंसर्न नजर आई, जिसके बाद लोगों ने उनके लिए काफी चिंता व्यक्त की और परेशान हो गए थे वो भी कि क्या सही में इनके रिश्ते के बीच में दरार आ चुकी है। और फिर सोशल मीडिया पर हर जगह ये रूमर्स फैलने लगे कि असली में इनका डिवोर्स होने वाला है। पर जैसे ही ये सारे रूमर्स फैलने लगते हैं तो फिर ऋतु राठी का एक वीडियो आता है अपने इंस्टाग्राम पर ये क्लैरिफाई करते हुए कि जो प्रश्न पूछा गया था वो उन्हीं का था, और फिर वो कहने लगती है कि वो एक अबला नारी नहीं है तो एक ऋतु आर्मी जो है उन्हें नहीं चाहिए, उनको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए लोगों की तरफ से, ये उनका खुद का प्रॉब्लम है, वो खुद से हैंडल कर सकती है। और वो कहती है कि चिंता करनी है तो अपने घर वाली जो मेड आती है उसका करिए। Oh, we are in Ritu's army. Am I a abla nari? No, I am not. Reality check. The maid who comes to your house, wo abla nari hai. लेकिन देखा जाए तो मेड है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, घर से बाहर निकल गए काम कर रही है, ना कि वो कैमरा लेके हर जगह घूम रही है और लोगों से लाइक्स और कमेंट्स मांग रही है। और इसीलिए बहुत लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह से वो घूर घूर के देख रही थी ना कैमरे में घुस के और एटीट्यूड दिखा रहे थे वो काफी क्रीपी लग रहा था। तो आज के वीडियो में यही बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये जो डिवोर्स कॉन्ट्रोवर्सी इतनी आ रही है क्या उसमें सच्चाई है या फिर ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है। First, let me introduce to you all. If you are someone new, I am Chirag, a fourth year undergraduate student at IIT Kharagpur. दोस्तों, अगर आप भी मेरे नाम के आगे IIT Kharagpur का टैग देख के आए हैं और आपका भी सपना है IIT तक पहुंचने का, या आप JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको IITians के द्वारा गाइडेंस और मेंटरशिप की जरूरत है, तो अभी जाइए prepsarthi.com पर जो कि मेरा स्टार्टअप है, वहाँ पर आपको ट्रायआउट मेंटरशिप वाला फॉर्म फिल करना है और फिर हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी और ऑफर करेगी 1-to-1 ट्यूटरिंग बाई IITians जो कि खुद इस एग्जाम को फोड़ चुके। तो जल्दी से रजिस्टर करिए और यूज करिए CM30 कोड फॉर गेटिंग 30% स्कॉलरशिप। एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस ये पसंद आते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो सारे सेलिब्रिटीज है, इन्फ्लुएंसर्स है, जिन्हें हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, आखिर इनके बीच में ये डिवोर्स कल्चर इतना बढ़ कैसे गया है? इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है जो कि हमारे ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो के दूसरे चैप्टर के तीसरे ओपनिंग श्लोक में बताया गया है, जिसका ट्रांसलेशन है कि मैन एंड वुमन विल लिव टुगेदर मियरली बिकॉज ऑफ सुपरफिशियल अट्रैक्शन एंड सक्सेस इन बिजनेस विल डिपेंड ऑन डिसीट, वुमनलीनेस एंड मैनलीनेस विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू वन्स एक्सपर्टीज इन सेक्स। और प्रभुपाद जी भी इस श्लोक के परपट में एक कड़वा सच बताते हैं जो कि ये पूरी रियलिटी एक्सपोज करता है हमारे डिवोर्स कल्चर की। इन द एज ऑफ कली अ वुमन इज कंसिडर्ड a good woman if she is sexually attractive and indeed sexually efficient. Similarly, a sexually attractive man is a good man. The best example of this superficiality is the incredible attention 20th century people give to materialistic movie stars, music stars and other prominent figures in the entertainment industry. मतलब कि सैल्यूट है प्रभुपाद जी को जिन्होंने इतनी सरलता के साथ इन सेलिब्रिटीज के डिवोर्सेस के पीछे का कारण बताया है। बहुत ही शर्म की बात है दोस्तों कि जिन लोगों को हम हमारा रोल मॉडल मानते हैं वो लोग मल्टीपल डिवोर्सेस, शादियां करते हैं, मल्टीपल अफेयर्स रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क की बात करें तो उनके टोटल 12 चिल्ड्रन है 3 विमेन के साथ। इनकी डिवोर्स हिस्ट्री काफी लंबी है, जैसे कि जस्टिन विल्सन के साथ वो साल 2000 में शादी करते हैं और फिर 2008 में डिवोर्स, फिर टेलुला रिले के साथ 2010 में शादी, 2012 में डिवोर्स, फिर उसी सेम लड़की के साथ 2013 में शादी और फिर 2016 में डिवोर्स। और ये तो बस इनकी शादी और डिवोर्स की बात की है, उनके अफेयर्स और डेटिंग हिस्ट्री तो काफी लंबी है, बट सोसाइटी इनकी ये सारी चीजों को इग्नोर करती है क्योंकि कलयुग का ये रूल है जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। तो इस एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि मैरिज पैसों के बेसिस पे होता है, सेक्स के लिए होता है और ये एक वर्बल एग्रीमेंट बन के रह चुका है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, और इसी वजह से लोग इसे कैजुअली लेने लगे हैं बस अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए। और इसी रीजन की वजह से जो डिवोर्स की न्यूज होती है उसमें कुछ नया नहीं रह गया है। तो अब आते हैं गौरव तनेजा और ऋतु राठी के बीच का ये जो डिवोर्स रूमर है इसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूं।
रहा हूँ। पहले तो इस वीडियो में रितु राठी काफी हर्ट लग रही है, लेकिन वो लोगों से ये एक्सपेक्ट करती है कि ये उनका पर्सनल मैटर है, इसके बारे में लोगों को डिस्कस करने का कोई हक नहीं है। मतलब कि ये सही है, पहले लोगों को बोलो कि गाइस आप हमारी फैमिली हो, सब्सक्राइब करिए, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो, और फिर कहा जाता है कि नहीं नहीं ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसके ऊपर आप कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। और इस चीज को कहते हैं सीधी भाषा में दोगलापन। और लोगों का एक ही रिएक्शन था कमेंट्स में कि वो अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि जिनकी वजह से वो इस मुकाम पर पहुंची है, इतना फेम कमाया है, उनको उनके पर्सनल मैटर पर डिस्कस करने का कोई हक नहीं है। लेकिन जब ये लोग अपने वीडियोस में प्रेगनेंसी और डिलीवरी होने पे भी कंटेंट डाल रहे थे, तब कहां गई इनकी प्राइवेसी। मतलब कि इन फैमिली व्लॉगर्स ने अपनी लाइफ को यूट्यूब पर इतना खुला छोड़ा हुआ है कि लोग तो जज करेंगे ही। अरे इनके बच्चों का क्या कसूर है जिनकी लाइफ कैमरे पे दिखाई जा रही है बिना इनके कंसेंट के। लेकिन ऋतु की इस बात से मैं सहमत हूँ कि जिस तरह से लोगों ने गौरव पर दूसरे आरोप लगाए हैं, जिस तरह से उसे जज किया जा रहा है, वो गलत है। लेकिन इस बात की भी जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि अपने पति पर छल कपट और अपमान का आरोप उन्होंने खुद लगाया और ना कि ऑडियंस। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला। दरअसल फैमिली व्लॉगिंग के साथ यही एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कैमरे पे वही चीज दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द 8 पैसेंजर्स नाम का एक फैमिली व्लॉगिंग यूट्यूब चैनल जो कि बंद हो चुका है, जिसमें दिखाया जाता था कि कैसे 8 लोगों का फैमिली एकदम खुशहाल जिंदगी जी रहा है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो इन 6 बच्चों की माँ है वो उन्हें टॉर्चर कर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ऐसी घटनाओं के बाद हमें बहुत सारे लेसन्स ये मिलते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ उतनी परफेक्ट नहीं है जितना हमें उनके वीडियोस पर दिखता है। जैसे हर फैमिली में कुछ झगड़े होते हैं, अनबन होते हैं, वैसे इनकी फैमिली में भी होती है, बस हमें ये दिखता नहीं है। और फिर एक दिन डायरेक्टली इनके डिवोर्स रूमर्स फैल जाते हैं, इनके बीच में दरार की न्यूज आती है। तो इसीलिए हमें इनसिक्योर नहीं होना है कि बस हमारी लाइफ में ही, हमारी फैमिली में ही प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स तो हर जगह होती है, लेकिन इसे एक पीआर स्टंट की तरह ना दिखाकर इसे पर्सनली सॉर्ट करना चाहिए। जैसे कि बहुत लोगों का ये आरोप है कि फ्लाइंग विश का एक पीआर स्टंट हो सकता है, क्योंकि उनका चैनल अभी अच्छा नहीं चल रहा है। और अगर ये बात में सच्चाई है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कलयुग के पावर का, कि मतलब अभी कलयुग स्टार्ट ही हुआ है और देखिए लोग डिवोर्स जैसे मैटर पर पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस कंट्रोवर्सी से उन्हें अटेंशन मिलेगा और उनका चैनल रिवाइव हो जाएगा। ये मानना थोड़ा कठिन है कि कैसे कोई पब्लिसिटी के लिए अपने प्राइवेट मैटर्स को ऐसे बाहर फैला सकता है। ये लोग ऐसे सोचते हैं कि सिंपल है कि अगर अपने लाइफ का कुछ अगले हिस्सा दिखाएंगे तभी तो और अटेंशन मिलेगा। और किसी ने कमेंट करते हुए ये भी लिखा है कि कुछ दिनों के बाद ये लोग वापस मिल जाएंगे और वीडियो बनाएंगे, एंड दे विल टेल देयर स्टोरीज ऑफ हाउ With the power of love, they got together. दोस्तों, गौर करने वाली बात ये भी है कि रितु ने 5 साल पहले व्लॉग में एक वीडियो में ये कहा था, मुझे ये चीज समझने में ना थोड़ा टाइम लगा था शादी के बाद की, पूरा तब लगता है जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं सब, वो भी न्यूली मैरिड है, मेरी एज ग्रुप की हैं, वो तो डेली अपने पतियों के साथ बाहर जा रही हैं, पार्टी में आती है तो साथ में आती है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता, आई गो अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे को इसमें बुरा नहीं लगता, मतलब पहले लगता था, फिर मैंने मतलब ट्राई किया कि गौरव चलने लगे, बट ये नहीं चलते हैं क्योंकि ये इतने बिजी हैं यार, उनके साथ फ्लाइंग भी है, यूट्यूब भी है, एडिटिंग भी है, ये भी है, फलाना भी, सारी चीजें करनी है, लास्ट में मैं आऊंगी कि मेरे साथ टाइम बिताना है। रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा दूसरे इंसान को भी समझना पड़ता है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, और यूट्यूब की वजह से तो बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। ये है हमारी स्टोरी सो कॉल्ड परफेक्ट जोड़ी की, बट यार कुछ परफेक्ट नहीं होता, आपको थोड़ा सा एफर्ट करके जितना मिले ना, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा था मेरे को, उसी में खुश हो जाओ यार। बस मेरे को ये कि जब इतना मिले ना तो वो सच्चे मन से मिले, उसमें कोई दिखावा ना हो, उसमें कोई फोर्स ना हो कि ये मेरे को जबरदस्ती प्यार कर रहे हैं क्योंकि मैं इनके सिर पे खड़ी हूँ कि मेरे को प्यार करो। इससे हम ये तो आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक पीआर स्टंट नहीं हो सकता, क्योंकि इनके लाइफ में पहले से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और गलती से उन्होंने उस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज के सामने अपनी प्रॉब्लम बता दी और लोगों ने इसका एक रूमर टाइप बना दिया है। तो जी हाँ, ये रूमर नहीं, सच्चाई में भी तकदील हो सकता है। अब इस कपल का डिवोर्स हो या ना हो, हमें एक बात सीखने को जरूर मिलती है कि ये लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए साधु संतों के पास जाते हैं, और इनका श्री जी मतलब कि श्रीमती राधा रानी पर पूरा विश्वास है, और ये कपल पहले भी प्रेमानंद जी महाराज के पास गया हुआ था। भगवत भाव करें और ये आप में भगवत भाव करें तो दोनों सदा के लिए एक जगह जा सकते हैं। स्त्री भाव पुरुष भाव से नहीं, ये विनाशशील भाव है कि मेरे प्रभु मुझे सुख देने के लिए, प्यार करने के लिए इस रूप में आए, और ये आप पर भावना करें कि मेरे प्रभु मेरे पति के रूप में आए हैं। अब दोनों प्रभुमय भाव हो गया तो दोनों एक ही जगह तो पहुंचोगे, प्रभु के पास, वहीं पहुंच गए, फिर तो अनंत काल के लिए एक जगह पहुंच गए ना। अगर शरीर भाव में रहे
तो फिर ट्रांसफर अलग अलग हो सकता है। अगर भगवत भाव में आए तो एक ही जगह जाला है। एक दूसरे में भगवत भाव, कभी आपस में किसी भी बात को लेकर ऐसा वैर विरोध ना हो कि आपस के प्रेम में, आज जीवन प्रेम में मिला है। इससे हमें ये तो सीखने को मिलता ही है कि हमारी लाइफ में हमें कोई भी प्रोवोकिंग सिचुएशन में भगवान और गुरुजन पर विश्वास रख के कदम लेना चाहिए। गुरु के आश्रय से ही हमें हमारी समस्याओं का एक्यूरेट समाधान मिल सकता है, फिर चाहे हमारी समस्या स्पिरिचुअल हो या मटेरियल ही क्यों ना। जैसे कि यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज इनको ये सजेस्ट करते हैं कि केवल भगवान पर विश्वास रख के हाथ पर हाथ धरे रहना एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता इस बात का। क्योंकि आश्रित हूं, अलग रहती हूं, श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रय जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परीक्षण करना चाहिए? ऐसा लगता है यदि मैंने दूसरा मार्ग लिया तो मेरी श्री जी का आश्रय छूट जाए। नहीं नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखे, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे। ऐसा नहीं कि आश्रय लेकर चुपचाप बैठ जाओ, कोई साधु महात्मा नहीं। गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकार अनुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए। हमें ये समझना होगा कि जो कैमरे पे हम इन सेलिब्रिटीज की लाइफ देख रहे हैं वो बस एक खुश होने का नाटक है, दिखावा है, बट रियलिटी एकदम ऑपोजिट है, जो कि हम देख सकते हैं आजकल जो डिवोर्स केसेस आ रहे हैं उसको देखकर। बट अगर हम इस कलयुग में अपने मन को शुद्ध रखना चाहते हैं और एक सुखी संपन्न जीवन जीना चाहते हैं तो बस भगवान का नाम और गुरुजन का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। हरे कृष्णा।